सुलह विधानसभा क्षेत्र के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ड्रोह को देश भर में कांस्टेबल स्तर की बेस्ट ट्रेनिंग करवाने के लिए श्रेष्ठ ट्रेनिंग सेंटर घोषित किया गया है। ब्यूरो ऑफ पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च नई दिल्ली ने समूचे भारत में हिमाचल प्रदेश की ट्रेनिंग सेंटरों को अपने मानकों पर खरा पाया है। इसके लिए पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ड्रोह बेस्ट अवार्ड के लिए चुना गया। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ड्रो को प्रशिक्षित पत्र और 20 लाख की नगद राशि इनाम के रूप में देंगे। ज्ञात रहे कि 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार ने पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय ड्रो की नींव रखी थी और ये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का काम शुरू किया गया था। धीरे धीरे स्कूल से कॉलेज और फिर पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है। इस बारे में पीटीसी प्रधानाचार्य एसपी सौम्या ने बताया कि ब्यूरो ऑफ पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च नई दिल्ली ने पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय को कांस्टेबल ट्रेनिंग के लिए अपने मानकों पर खरा पाया है, जिससे ये अवार्ड उनके सेंटर को मिला है। आगे एसपी ने बताया कि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंडोर और आउटडोर की बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है। हमारा स्टाफ बहुत ही निपुण तथा सक्षम है। हिमाचल एक पर्यटन स्थल और न्यायालय की ज़्यादातर कार्रवाइयाँ इंग्लिश में होती हैं। उसी के मद्देनज़र जो भी यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसे इंग्लिश का भी ज्ञान दिया जा रहा है। ये जो अवार्ड्स हैं ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिल्ली BPRND की जो टीम होती है वो हर वर्ष पूरे हिंदुस्तान के जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी वेरियस कैटेगरीज में इन अवार्ड्स को अनाउंस करती हैं और ये होम मिनिस्टर के ऑफिस से आता है। और ये जो अवार्ड हमें मिला है ये कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग की कैटेगरी में है। इसमें कितनी राशि मिलेगी? इसमें जो भी ऑल इंडिया लेवल पर इसे जीतते हैं उसे 20 लाख रुपए की राशि जो है वो होम मिनिस्टर की तरफ से मिलता है। देखिए जैसे कई कैटेगरीज हैं तो इसकी जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ परिमिताएं हैं जिसको देखकर इसे दिया जाता है, जिससे जिसमें कि कांस्टेबल्स की जो ड्रिल की परफॉर्मेंस है और उनकी जो ओवरऑल टर्नआउट है और उनका जो पूरा परेड इत्यादि की जो परफॉर्मेंस है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें अवार्ड दिया जाता है। देखिए जो हम छोटी सी छोटा सा एक पहल जो हमने यहाँ पर शुरू की है वो ऑफकोर्स यहाँ पे इंडोर आउटडोर की ट्रेनिंग तो बहुत ही अच्छी दी जाती है क्योंकि हमारा जो स्टाफ है, जो हमारी टीम है वो बहुत ही वेल ट्रेन्ड है और बहुत ही सक्षम है। लेकिन हमने एक छोटा सा जो पहली बार ये कोशिश की है वो ये है कि इनको हम इंग्लिश बहुत अच्छे से सिखाएँ। कारण ये है कि हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए टूरिस्ट पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम अच्छे से डेवलप कर पाएंगे और साथ में उच्च न्यायालय की जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो अंग्रेज़ी में होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे कॉन्स्टेबल्स आगे रिक्रूट होते हैं उनको उच्च न्यायालय की और न्यायालय की कार्रवाइयों में भी किसी तरह की दिक्कत ना आए और साथ में वो जितने भी टूरिस्ट हैं उनको भी प्रॉपर इंग्लिश में गाइड कर पाएँ। एक हमने ये कोशिश की। दूसरा जो इनका इनकी जो जो इनकी नरिशमेंट है, जो इनको खाना दिया जाता है, जो फूड, उस पर भी हमने काफ़ी ध्यान दिया है। उसमें कैलोरीज और साथ में वो पूरी तरह से पौष्टिक हो और साथ में उसमें सभी तरह की विटामिन्स एक्सेट्रा जो हम उसमें ऐड करें ताकि उनकी ट्रेनिंग जो है वो फिज़िकल तौर पर भी बहुत अच्छी हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया।